हे गाइस, दिस इज़ कविता इन योर वाचिंग कोडिंग करी फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डॉम को किस तरीके से ट्रेवर्स किया जाता है फ्रेंड्स हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि हम कितने वो कौन कौन से तरीके हैं सिंगल एलिमेंट को हम सेलेक्ट कर सकते हैं किन तरीके से और कितने तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं अपने मल्टीपल एलिमेंट्स को गेट कर गेट कर सकते हैं उसी तरीके से सेम इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं जावा में भी अपने एलिमेंट को अपवर्ड डायरेक्शन में या फिर सेम लेवल पर या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं हम अपने एलिमेंट को गेट कर सकते हैं ठीक है तो इसी ये जो प्रोसेस है बेसिकली इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं जावास्क्रिप्ट में ट्रेवर्स करना डॉम को ट्रेवर्सिंग ऑफ द डॉम ठीक है तो आज इसी के कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे तो चलिए फ्रेंड्स हम शुरू करते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अगर मैं आपको अपना ब्राउज़र दिखाऊं तो हमारे पास कुछ वेबसाइट टाइप का ये लेआउट है जिसे हम पिछले दो वीडियो से फॉलो कर रहे हैं डॉम के वीडियो से तो हम यहाँ पर क्या करते हैं ना हमें बेसिकली क्या करना है एक एलिमेंट में आप जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहती हूँ यहाँ पे कि भाई जो एक ये वाला ये वाली जो डिव है ना बेसिकली हमें उसको गेट करना है ठीक है तो गेट करने का तरीका हमने देख लिया था कि हम मतलब हम किस तरीके से गेट कर सकते हैं तो सबसे पहले हम इस डिव को क्या करते हैं गेट करते हैं ठीक है तो गेट करने का तरीका फ्रेंड्स बिल्कुल इजी है आ, हमने देखा था हम क्वेरी सेलेक्टर जो हमारा सिंगल सेलेक्टर है उससे हम क्या कर सकते हैं डॉम में अपने एलिमेंट को गेट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल जो हमारा टारगेट एलिमेंट है ना फ्रेंड्स वो ये है प्रोडक्ट आउटर ठीक है तो वैसे तो यहाँ पर आई भी दी हुई है तो आप चाहे तो आई के थ्रू गेट कर ले या फिर जैसे भी आप चाहें वो गेट कर सकते हैं तो मैं आई दी हुई है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं फटाफट से यहाँ पर इसको आई के थ्रू हम डॉक्यूमेंट डॉट क्या करेंगे गेट एलिमेंट सॉरी गेट एलिमेंट बाय आईडी देंगे और अपनी आईडी से हमने इस एलिमेंट को कर लिया है सेलेक्ट ठीक है तो अगर हम कंसोल चेक करेंगे तो हमें पूरा का पूरा जो है वो ये वाली डिव हमें मिलने वाली है कौन सी ये वाली डिव हमें मिल जाएगी ओके okay. तो चलिए ये तो हमने देख ही लिया था अब हमारा जो ट्रेवल सिंग डॉम का कॉन्सेप्ट आता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है तो देखिए मैं क्या कहती हूँ ना मुझे uh, इस एलिमेंट का इस ये जो हमने अभी सेलेक्ट किया है इस डिव का के जो चाइल्ड हैं बेसिकली चाइल्ड हैं वो मुझे यहाँ पर दे दो यहाँ पर चाइल्ड आप देख सकते हैं चाइल्ड का मतलब क्या है इस डिव के अंदर जो भी है वो आप मुझे दे दो ठीक है तो चाइल्ड को गेट करने के लिए ट्रेवर्स करने के लिए फ्रेंड्स हमारे पास मेथड होता है वो होता है हमारा चाइल्ड नोट्स का तो दो एल दो मेथड होते हैं सबसे पहले अब आप मैं आपको चाइल्ड नोट बताती हूँ तो हमने क्या करना है प्रोडक्ट वन जो अभी सेलेक्ट किया है वो लिखना है उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर चाइल्ड नोट्स ठीक है तो हम क्या करते हैं इसी को जो हमने अभी ये चाइल्ड नोट्स किया हुआ है ना इसी को मैं आपको कौनसोल करके यहाँ पर दिखाऊंगी सबसे पहले कौनसोल डॉट लोग अगर हम करते हैं और F12 प्रेस करेंगे तो हमको आ, यहाँ पे कौनसोल में क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ा सा आपके लिए बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको ईजी रहे देखना आप यहाँ पर देख सकते हैं नोट लिस्ट आपके पास फाइव आई है ठीक है वो फाइव क्या आई है टेक्स्ट आया है डिव प्रोडक्ट इनर जो कि हमारी डिव थी हमने देखा था वो है फिर से एक टेक्स्ट आया है एक पी आया है पी तो हमने यहाँ पर दिया ही हुआ है ये वो पी है ये देखिए हाईलाइट हो रहा है फिर से एक टेक्स्ट आया है ठीक है तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो डिव हमने देखी थी और पी देखा था वो तो आ ही रहा है उसके साथ साथ टेक्स्ट टाइप जो ये एलिमेंट्स सा है एलिमेंट भी नहीं है बेसिकली टेक्स्ट आ रहा है ठीक है तो हमें कुछ इस तर, इस टाइप की जो है वो कलेक्शन यहाँ पर मिल रही है तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ये क्या है कलेक्शन क्या है भाई हमने तो यहाँ पर देखा था की यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम को ये ये था हमारे पास और ये था अब ये टेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स क्या होता है जो ये मैथड हम अभी यूज कर रहे हैं ना कौन सा मेथड ये चाइल्ड नोट्स का मेथड ठीक है वो क्या करता है वो सिर्फ और सिर्फ ये ये नहीं है कि आपके सिर्फ ये आ, एलिमेंट जो हैं वही रिटर्न करेगा एलिमेंट्स तो रिटर्न करेगा ही साथ में जब भी हम किसी एक नई लाइन क्रिएट करते हैं ना कहने का मतलब ये है कि ये हमने डिव लिखी जो हमने अभी गेट की उसके बाद जब हम एंटर प्रेस करते हैं ना तो वो क्या करता है जितने भी हम एंटर एंटर प्रेस करते हैं उसको वो एज अ टेक्स्ट जो है वो काउंट कर लेता है नहीं समझ में आ रहा है तो अभी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ आप देखेंगे यहाँ पर जो है वो नोड लिस्ट जो है अभी यहाँ पर फाइव दिख रहा है ठीक है तो मैंने अभी आपको बोला कि जो नई लाइन है वो क्या करता है उसको एज अ टेक्स्ट काउंट कर लेता है ओके तो मैं यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया जो डिव मेरी नेक्स्ट लाइन में आ रही थी उसको मैंने बैक uh, स्पेस दबा के इसी लाइन के साथ यहाँ पर कर दिया है ठीक है तो यहाँ पर आ, मैंने इसे कर दिया है जस्ट अ मिनट मैंने शायद गलत डिव को कर दिया है आ, मुझे इस डिव को करना है कौन सा प्रोडक्ट इनर को चलिए प्रोडक्ट इनर को मैंने कर दिया है तो अब आप देखेंगे कि नोड लिस्ट फाइव ना होकर अब ये फोर हो गई है और स्टार्टिंग में जो टेक्स्ट आ रहा था वो हट गया है ठीक है तो इससे ये पता लग गया आपको कि जब भी हम नए लाइन में ऐसा प्रेस करते हैं तो क्या हो जाता है वो एक टेक्स्ट काउंट कर लेता है कौन सा मेथड हमारा चाइल्ड नोट्स का मैथड ठीक है अब ये नहीं है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ आ, हमारे टेक्स्ट जो हम नई लाइन में करते हैं उसी को काउंट करता है उसके अलावा अगर आप मैं यहाँ पर हम आपने देखा होगा आ, आप कुछ ना अपने एच को री आ, मतलब उसकी रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करते हैं यहाँ पे कुछ इस टाइप के क्या करते हैं कमेंट टाइप के हम डाल देते हैं है ना डालते हैं ना जिसमें मिनट में कमेंट बना देती हूँ तो ये आपने कमेंट यहाँ पर डाल दिया ठीक है तो चाइल्ड नोट्स जो है ना फ्रेंड्स वो क्या करता है आपके कमेंट को भी गेट करता है यहाँ पर देखिए आप फर्स्ट तो हमारा नई लाइन में आए तो हम इसलिए टेक्स्ट काउंट हो गया और जो सेकेंड हमने यहाँ पर कमेंट दिया था वो भी उसने ले लिया है और टोटल इसकी जो लेंथ है वो सेवन यहाँ पर बता रहा है ठीक है तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो टेक्स्ट uh, कमेंट सब कुछ गेट कर सकते हो और प्लस अपने जो है वो एलिमेंट्स भी गेट कर सकते हो अब बात आती है कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इस टाइप का जो कलेक्शन है वो नहीं चाहिए होगा बिकॉज हमें क्या चाहिए होता है अपने एलिमेंट्स चाहिए तो आप कहेंगे भाई ये क्या फालतू की चीजें हमारे को आ रही है हमें प्योर अपने जो एलिमेंट्स है ना ये एक चाइल्ड हो गया और एक ये चाइल्ड हो गया ठीक है अब आप ये कई लोग सोच रहे होंगे भाई इसके अंदर भी तो ये आई एम जी चाइल्ड है उसका क्या हुआ देखिए फ्रेंड्स ये वन लेवल तक ही काम करता है देखिए मतलब उसके अंदर जाना है तो फर्दर हमें और चीजें करनी होंगी बट जो डायरेक्ट चाइल्ड होता है ना वही गेट होते हैं ठीक है चाइल्ड नोट से अब देखिए ये हमने गेट किया था उसके चाइल्ड डायरेक्ट चाइल्ड कौन से ये वाला और ये वाला ठीक है तो अब हमें क्या करना है सिर्फ और सिर्फ कोई ऐसा मेथड हमें चाहिए जो कि ये फालतू की चीज़ें ना दिखाए हमें सिर्फ और सिर्फ जो हमारे प्योर एच एम एल एलिमेंट हैं वही हमें रिटर्न करके दे ठीक है तो उसके लिए आपके पास क्या होता है एक मेथड होता है वो होता है चाइल्ड एलिमेंट सॉरी नॉट चाइल्ड एलिमेंट चिल्ड्रन ठीक है चिल्ड्रन आपके पास एक मेथड होता है वो आपका क्या करता है प्योर आपके एच एलिमेंट को ही रिटर्न करता है देखिए ये हमारा प्रोडक्ट इनर हो गया और ये पी हो गया ठीक है तो ये आपको इससे आप किसी भी डिप को गेट करके उसके डायरेक्ट जो चाइल्ड है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं ठीक है तो अब आप देख ही सकते हैं कि आपको क्या है इसके चिल्ड्रन यहाँ पर मिल गए हैं ठीक है थीके? तो चिल्ड्रन मिल गए हैं चिल्ड्रन मतलब कि क्या है कि एक टाइप का एरे है ये मतलब आपके पास एक कलेक्शन आया है ठीक है तो हमने देखा था कि अगर आपके पास जब कलेक्शन आता है और मैं बोलती हूँ कि जो भी इसके चिल्ड्रन हैं जो भी इस डिप के चिल्ड्रन हैं उसको कोई एक क्या दे दो स्पेसिफ़िक एक स्टाइल आप दे दो ठीक है तो अब क्योंकि ये कलेक्शन है तो आप डायरेक्टली कलेक्शन में स्टाइल नहीं दे सकते हो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है यहाँ पर हम एक लूप लगाएंगे ये वैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में जो हमारा लास्ट वीडियो था आ, एलिमेंट सेलेक्टर का उसमें मैंने आपको बताया था तो आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपने वो मिस किया है तो प्लीज़ ज़रूर देखिए क्योंकि उसमें मैंने बहुत डिटेल में सारी चीज़ें जो हैं वो समझा रखी हैं ठीक है थीके? तो हम यहाँ पर देखेंगे आ, जो हमारी आ, मतलब ये है वो कहाँ तक चले वो इसके लेंथ uh, तक चलना चाहिए इनफैक्ट मुझे क्या करना पड़ेगा ये जो चिल्ड्रन है ना इसको एक वेरिएबल में सबसे पहले स्टोर करना पड़ेगा ठीक है तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ माई चाइल्ड एलिमेंट करके और इसके अंदर मैं क्या करती हूँ इसको स्टोर कर लेती हूँ ठीक है तो अब इसकी लेंथ तक मेरा जो ये लूप है बेसिकली वो यहाँ पे चलना चाहिए ओके और यहाँ पर क्या होगा आई प्लस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं माए चाइल्ड एलिमेंट जो है उसके आई ऐसे पास करके हम यहाँ पर कोई भी जो स्टाइलिंग है बेसिकली वो क्या कर सकते हैं कर सकते हैं जस्ट अ मिनट में आपको फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट दिखा देती हूँ कि आप कैसे सॉलिड वन पिक्सल रेड ठीक है सेव किया हमने तो हम सेव करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स आपके पास क्या आया ये देखिए आपको दोनों एलिमेंट जो गेट हुए थे उन पे आपकी जो स्टाइलिंग है वो बेसिकली लग गई है ठीक है अब ये स्टाइलिंग तो फ्रेंड्स हमने देखी ही थी पिछले आ, वीडियोस में भी बट हमें अगर ये तो सिर्फ एक सिंगल अगर आपको किसी टाइप की स्टाइलिंग करनी है तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है इनलाइन एलिमेंट्स पे आप स्टाइलिंग ऐसे इनलाइन सी कर सकते हैं बट अगर आपको एक कलेक्शन के तौर पर मतलब एक क्लास बेसिकली आपको ऐड करनी है जिसमें आप काफ़ी सारी सी लगा सकें उसके लिए आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर आप इसको कर देती हूँ मैं कमेंट के लिए आप क्या करेंगे यहाँ पर जो आपने ये सेलेक्ट तो किया ही हुआ है तो उस पर आप क्या कर दीजिए क्लास लिस्ट करना है आपको उसके बाद ऐसे ऐड लिखना है और उसमें आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर कोई भी जो क्लास आपको देनी है इन दोनों एलिमेंट को वो आप यहाँ पर देंगे और जब हम रिफ्रेश करेंगे तो बिकॉज सी बात है हमारा जो स्टाइलिंग है वो हट गई है बट हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर अपने एलिमेंट में जाके अगर हम ऐसा so, इनको इंस्पेक्ट करेंगे ना तो आप देखेंगे कि प्रोडक्ट इनर को भी डेमो क्लास जो है वो लग गई है और हमारे पी को भी डेमो क्लास लग गई है ठीक है फ्रेंड्स तो आज हमने एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ भी देखी है कि आपने देखा होगा आपके ऑफिस में कई लोग डेवलपर्स uh, जो क्या करते हैं ना रन टाइम पे अगर हमें क्लास ऐड करनी होती है तो वो इसी तरीके से क्या करते हैं एलिमेंट्स को गेट करके उसके बाद क्लास लिस्ट डॉट ऐड करके आप क्या कर सकते हैं इसको ऐड कर सकते हैं फ, आ, सेम तरीके से अगर आपकी कोई प्री डिफाइंड जो है वो क्लास आ रही है तो आप उसको हटाना चाहते हैं तो ऐड की जगह पे अगर आप रिमूव कर देंगे तो क्या हो जाएगा वो आपकी जो है वो रिमूव भी क्लास हो जाएगी ठीक है तो हम क्या करते हैं स्टाइलिंग में ही चलते हैं ठीक है और यहाँ पर हम क्या करेंगे जो हमने अभी अभी डेमो दी है ना क्लास उसको कुछ थोड़ा सा दे देते हैं ठीक है चाहे तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे बॉर्डर सॉलिड वही जो हमने दिया था बेसिकली वही दे देते हैं तो थोड़ा सा रेलिवेंट सा लगेगा और यहाँ पे हमारा जो है वो आ गया है ठीक है तो ये तो हो गया आप किस तरीके से क्लास ऐड कर सकते हैं चलिए इसके अलावा आप आ, हम क्या करते हैं हमने देखा कि अभी तक तो हमने चाइल्ड गेट किए हैं ओके तो चाइल्ड के अलावा भी हमारे पास कुछ और मेथड्स होते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं इनको आ, मतलब ट्रैवर्सिंग के लिए बेसिकली हमारा इजी रहता है आ, हम यहाँ पे क्या करेंगे ना फ्रेंड्स हमने देखा था चिल्ड्रन तो हमने देख ही लिया था उसके अलावा भी हमारे पास एक होता है नोड नेम ठीक है तो नोड नेम क्या होता है आपको ऐसा ये प्रोडक्ट वन वो है जो हमारी आउटर क्लास थी ठीक है उसका अगर आपको नोड नेम नोड नेम आप देखिएगा कि क्या रिटर्न करता है देखिए वो एलिमेंट रिटर्न करता है जिसको हमने गेट किया है फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ हमने ये एलिमेंट गेट किया था ठीक है तो ये एलिमेंट क्या है डिव है ना तो इसीलिए इसने क्या रिटर्न किया उस नोड का नेम मतलब कि वो एलिमेंट क्या है डिव रिटर्न उसने कर दिया है ठीक है इसी तरीके से आपको क्या कर सकते हो आप नोड टाइप भी गेट कर सकते हो अब ये नोड टाइप क्या है देखिए आपको वन मिलेगा यहाँ पर देखिए यहाँ पे वन मिल भी रहा है तो फ्रेंड्स uh, क्या होता है मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ फॉर नोट्स जब आप मतलब डाउनलोड करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा uh, देखिए हमारे जो जावास्क्रिप्ट है बेसिकली उसमें जो एच एलिमेंट्स होते हैं ठीक है थीके? उनका जो नोट टाइप होता है वो वन होता है ओके और जो हमारे क्या होते हैं एट्रीब्यूट होते हैं एलिमेंट के जो एट्रीब्यूट होते हैं बेसिकली अभी हमने एट्रीब्यूट बनाना मतलब गेट करना नहीं सीखा है वो भी मैं आपको बता दूंगी बट बत अभी जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पज़ आप ये देखिए कि एच एलिमेंट वन होता है उसका नोट टाइप एट्रीब्यूट का टू होता है और जो हमारा क्या होता है टेक्स्ट नोड होता है टेक्स्ट नोड मतलब कि जो हम इनर एच टी एम एल बेसिकली करते हैं ना जो टेक्स्ट के अंदर होता है मतलब एलिमेंट के अंदर जो टेक्स्ट होता है बेसिकली उसका जो होता है नोड टाइप वो थ्री होता है उसके अलावा जो कमेंट होता है उसका होता है एट और जो हमारा डॉक्यूमेंट होता है उसका होता है नाइन और डॉग टाइप जो होता है हमारा उसका होता है टेन ठीक है तो ये आप याद रख सकते हैं या फिर आप क्या कीजिए इसको नोट्स के तरीके से भी आप अपने आ, कहीं पर भी जहाँ चाहे आप सेव कर सकते हैं चलिए हमने देखा कि यहाँ पे ये यह वन आ रहा था प्रोडक्ट प्रोडक्ट वन का नोट टाइप वन आ रहा था क्यों आ रहा था क्योंकि प्रोडक्ट वन क्या है हमारा एच एलिमेंट है इसीलिए इसका नोट टाइप वन आ रहा था तो हम यहाँ पर आ, कमेंट का भी मैं आपको चेक करवा देती हूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया था यहाँ पर एक कमेंट दिया था कब आ रहा था कमेंट जब हम चाइल्ड नोड गेट करते हैं ठीक है तो हम क्या करते हैं चाइल्ड नोड को ही यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी। चलिए जस्ट एग्जांपल मैं क्या करती हूँ ऐसे मैंने किया ठीक है अब चाइल्ड नोट्स हमने गेट किए सबसे पहले तो आप देख सकते हैं नोट लिस्ट में हमारे पास टेक्स्ट और कमेंट ये आ गया है अगर हम देखें अगर मुझे कमेंट गेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसका इंडेक्स वन देना पड़ेगा तो चलिए मैं यहाँ पर क्या देती हूँ इसका इंडेक्स वन देती हूँ तो हमारे को क्या मिल जाएगा ये कमेंट यहाँ पर मिल रहा है ठीक है तो अब मैंने बोला आपको कि जो कमेंट का नोट टाइप है वो एट है यहाँ पर बताया ना तो आप क्या करेंगे अगर मैं यहाँ पर नोट टाइप करूँगी तो आपको क्या मिलेगा एट मिलेगा ठीक है तो इसी तरीके से आप बाकी के भी चेक कर सकते हैं जब हम आगे मैं आपको एट्रीब्यूट वगैरह गेट करना बताऊंगी तो आप बाकी के भी चेक कर सकते हैं ठीक है तो ये होता है हमारा क्या नोड टाइप चलिए अब हमने देखा फ्रेंड्स अभी तक कि हमारे पास जो है हमने चिल्ड्रन तो गेट कर लिया बट व्हाट अबाउट पेरेंट पेरेंट को आप कैसे गेट कर सकते हैं ठीक है तो पेरेंट को गेट करने का भी तरीका यही है जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या करती हूँ ये जो चिल्ड्रन वाला है इसको मैंने कमेंट कर दिया है उसके बाद यहाँ पे हम चिल्ड्रन की बजाय मतलब कि अब मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं बल्कि अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाहती हूँ कहने का मतलब ये है कि हमने क्या किया है अभी ये वाली जो डिव है वो गेट कर ली है ठीक है लेटेस्ट प्रोडक्ट एरिया ही गेट की है ना हमने आ, जस्ट अ मिनट नहीं ये वाली की है प्रोडक्ट आउटर ठीक है प्रोडक्ट आउटर की है तो अब मैं चाहती हूँ इस डिव का पेरेंट कौन सा है पेरेंट कौन सा है आप देख सकते हैं कंटेनर है तो अगर आपको इस किसी भी सेलेक्टिव डेव का पेरेंट गेट करना है तो उसके लिए आपके पास क्या होता है पेरेंट नोड और पेरेंट एलिमेंट दो ये आपके पास होते हैं पेरेंट uh, नोड करेंगे तो आप देख सकते हैं पेरेंट uh, जो है ये इसके अंदर चला गया है हम इसको दे देते हैं माए पेरेंट एलिमेंट ठीक है ये माई पेरेंट एलिमेंट जो है वो मुझे मिल गया है और हम इसको करते हैं कमेंट ठीक है ये हमने कमेंट कर दिया है और इसी को हम क्या करेंगे कौनसोल करवा के यहाँ पर देखेंगे इसको भी मैं कमेंट कर देती हूँ और यहीं पर यहाँ पर क्या करती हूँ मैं आपको कौनसोल करा के अगर दिखाऊँगी क्या आपका माई पेरेंट एलिमेंट तो आप देखेंगे कि आपको कंटेनर मिलेगा ठीक है तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं अपने सिलेक्टिव डिव का पेरेंट भी निकाल सकते हैं अब फ्रेंड्स हमारे पास ना पेरेंट नोट होता है एक और एक होता है पेरेंट एलिमेंट नोट ठीक है अब दोनों ही है वो एक तरीके से सेम काम करते हैं और दूसरे तरीके से अलग भी काम करते हैं दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी बिकॉज बहुत से डेवलपर्स uh, को ये पता ही नहीं होता है डिफरेंस क्या है देखिए जैसे मैंने आपको चाइल्ड नोड्स और चिल्ड्रन का डिफरेंस बताया उसी तरीके से आप देखिए जो पेरेंट नोड uh, है बेसिकली वो क्या करता है अगर उसको मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ना ये एलिमेंट सेलेक्ट करती हूँ ये वाला एलिमेंट क्योंकि ये हमारा टॉप बाहर का मतलब सबसे बाहर जो एलिमेंट है सबसे आउटर वो हमारा ये एच टी एम एल एलिमेंट है डॉक टाइप एच एलिमेंट नहीं होता बेसिकली ये एक टाइप का आप ये कह सकते हैं कि ब्राउज़र को बताने के लिए होता है कि एच टी एम एल फाइव हम यूज़ कर रहे हैं ठीक है तो हम ये एच टी एम एल बेसिकली मैं आपको क्या करती हूँ इसको गेट करके दिखाती हूँ फिर आपको मैं डिफरेंस बताऊँगी दोनों में ठीक है इसको मैं सारा का सारा जो है वो कमेंट कर देती हूँ और हम यहाँ कुछ आते हैं चलिए मैं यहाँ पर क्या करती हूँ माई एच मैंने लिखा और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगी डॉक्यूमेंट डॉट गेट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर मैं बेसिकली कर लेती हूँ चलिए क्वेरी सेलेक्टर मैंने किया और यहाँ पर मैं क्या लिख देती हूँ एच लिख देती हूँ ठीक है तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पर कौनसोल डॉट मैं लॉक करके आपको बता देती हूँ माई एच मैंने दिखाया और मुझे देखिए सारा का सारा जो एच है वो रिटर्न हो गया है ठीक है अब मैं कहती हूँ कि भाई मुझे ना इस इस एच का मुझे पेरेंट बताओ वैसे कायदे से देखो तो ये हमारा सबसे बाहर एलिमेंट है इससे बाहर कोई आ, मतलब कि पेरेंट नहीं है तो आ, अब यहाँ पे आपको डिफरेंस क्लियर होगा दोनों में तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ इनफैक्ट यहीं पर कर देती हूँ यहाँ पर जब मैं पेरेंट नोड यूज़ करती हूँ ठीक है पेरेंट नोड यूज़ कर रही हूँ तो आप फ्रेंड्स देखेंगे आपको डॉक्यूमेंट दिखाई दिया मतलब हमने स्टार्टिंग में डॉम के देखा था एक डॉक्यूमेंट होता है उसी के अंदर हमारा सारा का सारा देखिए इसने डॉक टाइप को भी दिखा दिया और बाकी का एच को भी इसने दिखा दिया मतलब इसने दिखाया कि एच के बाहर भी क्या है एक पेरेंट है जो कि सा, सभी सारे एच एलिमेंट का पेरेंट है वो है डॉक्यूमेंट ठीक है बट हमने देखा मैंने आपको बोला कि दोनों में डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि अगर आप पेरेंट एलिमेंट गेट करके पेरेंट एलिमेंट के थ्रू पेरेंट को गेट करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको नल मिला नल क्यों मिला क्योंकि जैसे चाइल्ड नोड हमें टेक्स्ट कमेंट के साथ आ, तो दिखाता ही था और हमको एलिमेंट दिखाता था ठीक है तो इसी तरीके से जो पेरेंट नोड है वो अगर आप उस हमने देखा कि कंटेनर जब डिव था तो उसने कंटेनर रिटर्न किया ठीक है बट अगर उसको बाहर कोई और पेरेंट एलिमेंट नहीं मिलता तो वो डॉक्यूमेंट को दिखा देता है बट जो पेरेंट एलिमेंट हमारा मेथड है वो क्या करता है प्योर अगर आपके प्योर एच टी एम एल एलिमेंट है एज अ पेरेंट तो वो दिखाएगा और अगर नहीं होगा नहीं होगा कहने का मतलब क्या है कि हमारे इस एच टी एम एल से बाहर कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि उसका पेरेंट हो ठीक है तो उस केस में वो क्या दिखाएगा नल दिखाएगा ठीक है तो ये था ये होता है एक मेन मेजर डिफरेंस जो कि कई बार इंटरव्यूज uh, में पूछ लिया जाता है और डेवलपर्स को नहीं पता होता है ठीक है तो आपको डिफरेंस पता करना है और ध्यान में रखना है इन चीज़ों को ठीक है फ्रेंड्स तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही आई होप काफी कुछ आपका कवर हो गया है और आगे भी हम uh, ट्रेवर्सिंग के uh, मतलब वीडियोस करेंगे तो उसमें और डिटेल में ट्रेवर्सिंग को समझेंगे ठीक है फ्रेंड्स तो आप प्लीज इस uh, वीडियोस को लाइक कीजिए और uh, आप अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज ऐसे ही ऑसम वीडियोस मैं आ, रेगुलर बेसिस पे डालती रहती हूँ एंड आई डोंट वांट कि आप कुछ भी चीज़ मिस करें तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिए फ्रेंड्स और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन चीज़ों को सीख सकें अच्छे से ठीक है फ्रेंड्स तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय टेक केयर